हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम आप लोगों को एक नए फ्रॉड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप लोग अवेयर रहिए। मेरे पास एक मैसेज आया था, एक फ्रॉड मैसेज, जिसमें ये लिखा था, डियर कस्टमर, योर कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट विल बी सस्पेंड, कंप्लीट योर केवाईसी, क्लिक लिंक बिलो, सबमिट डिटेल 10 मिनट्स। एक लिंक दिया हुआ है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पूरी एसएमएस जो उन्होंने मुझे भेजा है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे सेंड किया तो मैंने उसे चेक किया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या है। बाकी मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट मेरा बंद हो जाएगा या नहीं। तो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या किया है। बट अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो आप उसको बिल्कुल भी, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसके साथ शेयर ना करें, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है, क्या फ्रॉड है इसमें, क्यों क्यों शेयर नहीं करनी चाहिए। तो जैसे आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो आपसे सबसे पहले आपका पर्सनल सीआरएन नंबर मांगेगा, जो आपको देने की जरूरत नहीं है, एंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सबसे पहले आप चेक करिए वेबसाइट का जो यूआरएल है, जो टॉप पे यूआरएल एंटर किया हुआ है, जो यू आर एल दे रहे हैं वो रिडायरेक्ट करने के लिए, वो कम्प्लीटली फेक है। आप उसमें कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन इंटर ना करिए। उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, सिंपल सी आर एन नंबर। आप जैसे सी आर एन नंबर डालेंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि आप अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड या एम पिन नंबर आप उसमें एंटर करो। तो जैसे आप उसमें कोई भी रॉन्ग एंट्री मैंने कर दिया है तो देखेंगे कि आप उसको जैसे एंट्री करने के बाद वो सारा आ जाता है कि MP authentication activation हो गया। अब आप उसमें एक नंबर एंटर करिए जो एंटर एक्टिवेशन की है, तो वो की भी आपसे मांगेंगे। मींस कि आप, इसमें एक मैसेज आ रहा है, योर एम पिन इज कंफर्म, प्लीज एंटर एक्टिवेशन कोड, रिसीव्ड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन की से भेजेंगे, अगर आप एक्चुअल में डालोगे, जैसे ही आप डालोगे वो आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट कर लेंगे, या आगे चल के आप बेसिकली आपका ये पूरा पूरा जो कोटक बैंक की है वो पूरा क्लोन कर लेंगे। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपने एम पिन, सीआरएन नंबर आपने उसको दे रखा है, तो उसके बिहाफ पे आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपका हैक करके आपके जितने भी बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन है वो सारे आपको विड्रॉल कर लेंगे, जो भी अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है वो सारे विड्रॉल कर लेंगे। क्योंकि उनके पास आपका सीआरएन नंबर है और एम पिन है, तो आप ऐसी चीजों को आप इन सब साइटों पे बिल्कुल शेयर ना करें। अगर आपको साइट पे कोई भी, अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन वाकई में आपको कैसी जरूरत है, तो ऑफिशियल साइट पे जाओ। आप ऑफिशियल साइट पे आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप जो आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उनके साथ बुकलेट मिलती है, जहां पे कि आप उन साइट्स को आप विजिट कर सकते हो। और जो बैंकिंग साइट है उनकी यूआरएल कभी चेंज नहीं होते, तो मेक श्योर रहिए आप उनके स्पेलिंग्स वगैरह भी माइनर चेंजेस करके वो आपको फ्रॉड बना सकते हैं। तो मैंने इसमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, जो रियल इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल है, वो मैंने इनसे शेयर नहीं करी है, वरना मेरे सारे जो बैंक अकाउंट का जो पैसे हैं वो सारे ट्रांसफर कर लेते हैं ये, ठीक है। तो आप इस तरीके के जो मैसेज आते हैं तो आप इनको अवॉइड करिए, आप इनमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करिए। पैनिक बिल्कुल मत होइए कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, अगर बंद होना हो, कोई भी किसी भी अकाउंट को बंद नहीं करते, सस्पेंड होगा। अब आप जाके कर सकते हैं, आप बैंक जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर से वो रिज्यूम हो जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। और दूसरी चीज कि आप इन एसएमएस में जो भी एसएमएस आ रहे हैं या फिर जो फ्रॉड मैसेज आते हैं, वो हो सकता है कि यूनिकोड हो या फिर किसी मोबाइल नंबर से आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं बैठ के बैकएंड में एप्लीकेशन के थ्रू। तो ऐसे लिंक्स कभी ओपन भी नहीं करने चाहिए जो फ्रॉड हो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने लिंक ओपन किया और आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी मोबाइल है, मोबाइल में कर रहे हो या लैपटॉप में कर रहे हो, तो आपकी पूरी सारी की सारी डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है, वो अपने सिस्टम पे कलेक्ट कर रहे हैं कि आप टाइप कर रहे हो क्या, आप कहाँ ऑथेंटिकेशन, अगर कोई भी प्राइवेट ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, मीन्स कि आप किसी साइट पे लॉग इन कर रहे हो, तो
यूजर आईडी, क्रेडेंशियल्स, यूजर आईडी और पासवर्ड आप एंटर करते हैं तो वो सारी चीजें वो स्टोलन कर लेते हैं आपका सिस्टम से। तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो आप इसलिए इन सब यूआरएल से थोड़ा सा आप ओपन ना करें और सेफ रहें। और दूसरी चीज कि ये वीडियो ज्यादातर लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अभी हाल ही में मुझे 3 से 4 दिन पहले मुझे एसएमएस आया, तो कोई भी केवाईसी के लिए रिगार्डिंग कराता है तो आप अपने लोगों को अवेयर करिए कि ऐसे फ्रॉड में वो ना फंसे, जिससे कि उनके सेविंग किया हुआ पैसा उनके अकाउंट से निकल जाए। बहुत मेहनत से लोग पैसे अर्न करते हैं, तो आप अपने परिवार में सबको ये चीजें शेयर करिए, उनको दिखाइए किस तरीके से हो रहा है। वो पैनिक में आके कि हमारा बैंक अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, बंद हो रहा है, हम इसे क्लोज कर दें, नहीं, या हम इसको केवाईसी यहीं से कर दें, 10 मिनट में हमारा लॉक नहीं होगा बैंक अकाउंट, बिल्कुल नहीं। आप जाइए, आपको अगर लगता है कि हमारा कुछ हो रहा है तो आप डायरेक्ट बैंक जाइए, बैंक से कोऑर्डिनेट करिए, और अगर लगता है कि उनको केवाईसी चाहिए तो आप केवाईसी वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, ठीक है। बट आप कभी भी इन यूआर जो भी आपके पास मैसेज आते हैं उनके थ्रू नहीं करिए आप। और ये वीडियो आप सबको शेयर करिए, जो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, सबको अवेयरनेस, जो भी बैंक, जो भी क्रेडेंशियल, जो कुछ भी यूज करते हैं, या बच्चे आपके साथ आपके फोन्स को यूज करते हैं तो कुछ ऐसे में क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। बट चीजों को अवेयर रहने के लिए आप इन सबको वीडियोस को दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए।